नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एंजल टेक एनालिसिस पर। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं पार्ट 14 वीडियो लर्न टेक्निकल एनालिसिस की। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में, उसमें हमने उसके वॉल्यूम के बारे में देखा था, वो किस तरह से फॉर्म होता है, कैसे हमारी वहां पर एंट्री होती है, कैसे हम वहां पर एग्जिट करते हैं, तो वो सारी चीजें जो है हमने हेड एंड शोल्डर पैटर्न में देखी थी। तो आज जो हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो देखिए, जो लास्ट जो हमने वीडियो में देखा था, उस वीडियो में क्या होता था, हमको एक अप ट्रेंड चाहिए होता था। एक अप ट्रेंड में आने के बाद जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न था वो एक रिवर्सल पैटर्न था। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने के बाद एक वहां से डाउन ट्रेंड की जो है शुरुआत होती थी। तो आज ये जो मैं पैटर्न आपको बताने वाला हूं, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये क्या है, ये बिल्कुल उसका ओपोजिट है। आप मान लीजिए कि एक आदमी को सीधा खड़ा किया गया है तो वो हेड एंड शोल्डर है, तो एक आदमी को उल्टा अगर खड़ा कर दिया गया है, उल्टा लटका दिया गया है, तो वो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। इसमें क्या होते हैं, इसमें दो शोल्डर जो है नीचे की तरफ होते हैं और हेड जो है ये भी नीचे की तरफ होता है, और ये अक्सर जो है एक डाउन ट्रेंड में बनता है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, कंटिन्यू ऊपर से एक डाउन ट्रेंड नीचे की तरफ आ रहा है और फाइनली आकर नीचे बॉटम पर ये जो है आपको ये पैटर्न देखने को मिलेंगे। इसमें भी देखिए सेम वही लॉजिक है जो मैंने वॉल्यूम के बारे में आपको बताया था कि वॉल्यूम आपने किस तरह से चेक करना है। देखिए, इसमें हेड एंड शोल्डर और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में जो है वॉल्यूम का ही जो है इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से वॉल्यूम के बारे में बताया था कि हमको किस पुल डाउन पर हमको कौन सा वॉल्यूम देखना है, कहां पर वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, कहां पर कम होना चाहिए। तो मैं आपको इस वीडियो में वो चीजें अब दोबारा नहीं बताने वाला हूं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार आप जो है वो वीडियो जाकर दोबारा देख लीजिएगा हेड एंड शोल्डर की, तो आपको यहां पर वो चीजें जो है अच्छे से कंफर्म हो जाएंगी। हाँ, मैं आपको प्रैक्टिकली जरूर करके बताऊंगा कि मतलब ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म किस तरह से होता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, मैं आपको पैटर्न बताता हूं कि ये पैटर्न किस तरह से वर्क करता है। तो जैसा कि देखिए, मैं यहां पर क्या चीज होता है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, यहां पर हमको एक जो है डाउन ट्रेंड चाहिए होता है। ओके, हमको यहां पर एक डाउन ट्रेंड चाहिए होता है, कंटिन्यू नीचे की तरफ एक डाउन ट्रेंड आता है। इस तरह से नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड आने के बाद यहां पर देखिए क्या होता है, यहां पर एक नीचे का एक लेवल आपको मान लीजिए कोई भी लेवल है, वहां पर आने के बाद प्राइस जो है कुछ टाइम तक जो है पॉज करता है। पॉज करने के बाद यहां से जो है प्राइस फिर जो है ऊपर की तरफ जो है ऊपर की तरफ कुछ मूव करता है। अब देखिए, यहां पर जो ऊपर की तरफ इसने जो फर्स्ट बाउंस बैक लिया है, यहां पर प्राइस पॉज होने के बाद अब जब प्राइस जब नीचे की तरफ आएगा तो ये जो है लास्ट जो हमारा लो लगा हुआ है इसको ब्रेक करेगा। इसको ब्रेक करने के बाद मान लीजिए नीचे की तरफ ही आ सकता है। उसके बाद यहां से आने के बाद एक बार फिर प्राइस क्या करता है, यहां से फिर जो है बाउंस बैक करता है। ओके, यहां पर बाउंस बैक करने के बाद अब देखिए, यहां पर हमको एक हाई मिल गया हमको, और यहां पर हमको दूसरा हाई मिल गया, और यहां पर हमको फर्स्ट लो मिल गया, यहां पर सेकंड लो मिल गया। अब यहां पर प्राइस जो है फिर दोबारा जो है नीचे की तरफ जो है मूव करता है। ओके, यहां पर प्राइस ने फिर दोबारा नीचे की तरफ मूव किया और यहां से फाइनली जब ये चलता है तो फिर यहां ब्रेकआउट होता है। तो मैं पहले आपको ये चीज समझा देता हूं। यहां पर देखिए, यहां पर हमने क्या करना है, हमने इस तरह से एक नेक लाइन लगा लेनी है। हमने देखिए, ये जो ऊपर से कंटिन्यू डाउन ट्रेंड आ रहा है, हमने इसको जो है नेक लाइन इसको क्रॉस नहीं करनी है, हमने ये लगाना है जहां पर जाकर उसने रेजिस्टेंस लिया है। रेजिस्टेंस लेने के बाद ये जो नीचे की तरफ आया था, तो यहां पर देखिए किस तरह से होता है, यहां पर जो प्राइस जो है ये ब्रेकआउट करने के बाद, इस तरह से ब्रेकआउट करने के बाद जो है ये नीचे की तरफ जो है रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है। इस तरह से रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है और फाइनली जो है यहां से फिर जो है ब्रेकआउट होता है। तो यहां पर देखिए क्या होता है, यहां पर आपका जो एंट्री जो होती है वो आपकी इस पॉइंट पर होती है। इस पॉइंट आपकी एंट्री होती है, जो नेक लाइन है, नेक लाइन की ब्रेकआउट होने के बाद आपकी एंट्री होती है। देखिए, कल जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको चार तरह के पैटर्न बताए थे कि चार तरह के पैटर्न जो है हेड एंड शोल्डर के फॉर्म होते हैं, तो सेम जो है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में भी वो चार तरह के पैटर्न ही फॉर्म होते हैं। एक मैंने आपको उसमें अप स्लो बताया था, एक मैंने आपको डाउन स्लो बताया था, एक मैंने आपको बताया था कि यहां पर जो है जब ये सेकंड शोल्डर जब ऊपर की तरफ जाता है तो यहां पर कुछ देर के लिए प्राइस जो है एक रेक्टेंगल चैनल में काम करने लगता है।
चलिए मैं आपको वही, ये देखिए पहला आप पैटर्न, तो ये पहला पैटर्न आप ये देख लीजिए, पहला पैटर्न जो है मार्केट में अगर फॉर्म होगा तो इस तरह से फॉर्म होगा। दूसरा पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो दूसरा पैटर्न देखिए इस तरह से फॉर्म होगा, मैं आपको जो है थ्रू ड्राइंग आपको करके बता देता हूं। तो देखिए एक मार्केट में यहां से ऊपर से डाउन ट्रेंड है, यहां से कंटिन्यू डाउन ट्रेंड नीचे की तरफ आ रहा है और फाइनली नीचे आकर इसने एक ऊपर की तरफ मूव किया। मूव करने के बाद फाइनली फिर ये नीचे की तरफ जाएगा अपने हेड बनाने के लिए, हेड बनाकर फिर ये ऊपर की तरफ आता है, फिर यहां से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ जाता है और यहां पर आने के बाद प्राइस जो है कुछ टाइम के लिए यहां पर होल्ड करता है। ओके, तो यहां पर प्राइस ने क्या है, यहां पर होल्ड करना चालू कर दिया है, यहां पर प्राइस ने एक पॉज ले लिया है, यहां पर एक समझ लीजिए आप यहां पर एक रेक्टेंगल में यहां पर प्राइस ने काम करना चालू कर दिया है। तो यहां पर ये देखिए, ये जो है इस तरह से देखिए, हमने देखिए अब यहां पर क्या है, सॉरी मैं आपको एक मिनट, चलिए हम इसको जो है दोबारा करके देख लेते हैं, ये थोड़ा सा प्राइस जो होगा चलेगा। चलिए मैं दोबारा आपको बनाकर दिखा देता हूं। देखिए यहां पर जो मैंने आपको करके बताया था, यहां पर प्राइस जो है एक कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में है, कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में आ रहा है और प्राइस यहां पर नीचे की तरफ जाता है, प्राइस नीचे की तरफ जाने के बाद फिर ऊपर की तरफ आता है, फिर नीचे की तरफ जाता है एक हेड बनाने के लिए, फिर ऊपर की तरफ आएगा, फिर नीचे की तरफ जाएगा और फिर यहां पर आने के बाद प्राइस जो है कुछ टाइम के लिए यहां पर जो है एक रेक्टेंगल चैनल में काम करने लग जाता है। तो यहां पर जहां पर रेक्टेंगल चैनल में काम करने लग गया, अब यहां पर जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखिए अब यहां पर हमको ये देखिए फर्स्ट शोल्डर हमारा मिल गया, यहां पर सेकंड शोल्डर मिल गया और ये हमारा हेड हो गया। और यहां पर हम क्या करेंगे, देखिए अगर तो मार्केट में आपको इस तरह का पैटर्न मिलता है तो आपके लिए वो सोने पर सुहागा होता है, बहुत अच्छा पैटर्न है ये। बिकॉज देखिए क्या होता है, हेड एंड शोल्डर में हमारा जो है स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है और अगर हमको ये पैटर्न मिल जाता है तो ये पैटर्न हमको मिलने के बाद स्टॉप लॉस हमारा जो है बहुत छोटा सा रह जाता है। मीन्स हम यहां पर इसके नीचे ये जो रेक्टेंगल चैनल यहां पर बन रहा है, हम इसके नीचे अपना जो है स्टॉप लॉस रखकर काम कर सकते हैं, अदरवाइज हमको इस शोल्डर के नीचे हमको अपना स्टॉप लॉस रखना पड़ता था। ओके, तो यहां से जब फाइनली जब यहां पर ब्रेकआउट करेगा तो अपना टारगेट जो है ये हेड और ये नेक लाइन, इसके बीच का जितना भी गैप है, मान लीजिए ये 100 रुपीज है, ऊपर 100 रुपीज है और नीचे 90 रुपीज है, तो ये 10 रुपीज का गैप है, तो 10 रुपीज ही हमारा टारगेट होगा एंट्री। यहां पर जब रेक्टेंगल चैनल का ब्रेकआउट होगा तो यहां पर हमारी एंट्री हो जाएगी और ये हमारा टारगेट हो जाएगा, स्टॉप लॉस आप इसके नीचे रख सकते हैं। और देखिए मैं आपको जो है एक और पैटर्न मैंने आपको बताया था, डाउन स्लोप और अप स्लोप ये किस तरह से बनते हैं, ठीक है, तो मैं आपको वो भी करके दिखा देता हूं। तो चीजें जो है मतलब अगर अगर आप ऐसे अगर जाकर पिछली वीडियो देखें तो जो है आपको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। यहां पर देखिए डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू ये आ रहा है। ओके, यहां पर आया, यहां पर नीचे आया, इसने फर्स्ट शोल्डर बनाया, फर्स्ट शोल्डर बनाने के बाद फिर नीचे की तरफ जाता है, फिर यहां पर ये हेड बनाता है, फिर नीचे की तरफ जाकर यहां पर इसने जो है ये सेकंड शोल्डर इसने बनाया। अब देखिए अब यहां पर क्या करना है, अब ये जो इस तरह से हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, ये ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की, ये हमारा फर्स्ट शोल्डर हो गया, ये हमारा सेकंड शोल्डर हो गया और ये हमारा जो है हेड हो गया और ये हमारी नेक लाइन हो गई। तो जैसे ये एक डाउन स्लोप है उसी तरह से मार्केट जो है ऐसे ऊपर की तरफ शोल्डर बनाएगा और ये जो है एक अप स्लोप में जाता है। मैं आपको करके बताता हूं, जैसे मान लीजिए मार्केट यहां से ऊपर से जो है डाउन ट्रेंड में आ रहा है, यहां पर इसने जो है एक अपना फर्स्ट शोल्डर बनाया, ऊपर की तरफ गया, फिर इसने जो है अपना हेड बनाया, फिर ये ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे आकर इसने अपना सेकंड शोल्डर को जो है कंप्लीट किया। ओके, तो यहां पर देखिए क्या है, यहां पर अब आपको इस तरह से जो है एक अप स्लोप मिल गया। तो देखिए जब इनवर्स इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनता है तो उस टाइम में इन दोनों में से हमारे लिए कौन सा पैटर्न ज्यादा अच्छा होता है वो चीज शायद आपको पता नहीं होगी, तो मैं बता देता हूं। ये अप स्लोप वाला पैटर्न जो है, जब हमको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न जब हम देख रहे हैं तो ये अप स्लोप वाला पैटर्न जो है इसके कंपैरिजन में मोस्ट रिलायबल होगा हमारे लिए, ये हमको अच्छा प्रॉफिट बनाकर देगा और बहुत जल्दी इसमें हमारा जो है प्रॉफिट अचीव हो जाएगा, टारगेट हमारा यहां अचीव हो जाएगा। बट ये जो डाउन स्लोप में जो हेड एंड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनते हैं, यहां पर जो है आपको टारगेट अचीव करने में थोड़ा सा मतलब यहां पर टाइम लग सकता है, यहां पर कुछ रेड कैंडल बनेगी, कुछ ग्रीन कैंडल बनेगी, इस तरह से हो सकता है। बट जो है मतलब अगर आपको अप स्लोप वाला मिलता है तो ये बहुत अच्छा होता है। और जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर आपको तो ये इस तरह का पैटर्न मिलता है, ये पैटर्न
यहां पर आपको फर्स्ट शोल्डर मिला, यहां पर हेड मिला, और सेकंड शोल्डर मिलने के बाद जब प्राइस यहां पर कंसोलिडेशन करना चालू कर देता है, प्राइस कुछ दिनों के लिए या कुछ घंटों के लिए, अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो कुछ जो है 15 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए प्राइस इस चैनल में चले जाता है, एक रेक्टेंगल चैनल हम इसको बोलते हैं, एक रेक्टेंगल पैटर्न होता है। अगर आप रेक्टेंगल पैटर्न के बारे में जानना चाहते हैं तो आप जाकर इसमें हमारी जो है पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसमें रेक्टेंगल पैटर्न के बारे में मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो ये रेक्टेंगल पैटर्न यहां पर बनाता है। रेक्टेंगल पैटर्न देखिए, ये पैटर्न हमारे लिए बहुत अच्छा क्यों होता है, बिकॉज हमारा यहां पर स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा हो जाता है, स्टॉप लॉस हमारा यहां पर हो जाता है, अदरवाइज हमको स्टॉप लॉस जो है हमको सेकंड शोल्डर के नीचे रखना पड़ता है, जो राइट शोल्डर जो यहां पर बन रहा है इसको हम लेफ्ट शोल्डर बोलते हैं और इसको हम राइट शोल्डर बोलते हैं, और ये हमारा हेड होता है। तो जो थंब रूल जो है, जो थंब रूल जो कहता है, तो थंब रूल के मुताबिक हमको यहां पर इस शोल्डर के नीचे जो है अपना स्टॉप लॉस रखना होता है, इसके ऊपर हमारी एंट्री होती है, और टारगेट नेक लाइन से लेकर हेड तक जितना भी गैप होता है, मींस मान लीजिए अगर ये 1100 रुपए का लेवल है ऊपर का जो नेक लाइन है और नीचे का जो हेड है वो 1000 का लेवल है, तो ये 100 रुपीज का जो ये गैप है तो ये 100 रुपीज का ही हमारा टारगेट होगा। अभी यहां पर अगर हमने यहां पर एंट्री लेनी होती, अगर हमने स्टॉप लॉस यहां पर रखना होता तो मान के चलिए यहां पर हमारा 60 to 70 रुपीज हमारा यहां पर स्टॉप लॉस बनता और 100 रुपीज के लिए हम जा रहे हैं। तो ज्यादातर जो है हेड एंड शोल्डर और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में 1:1 और 1:1.5 का टारगेट जो है ज्यादातर देखने को मिलता है, बट अगर आपको इस तरह का पैटर्न मिल जाता है तो आपको यहां पर बहुत आराम से 1:2 का टारगेट जो है मिल जाता है, रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत अच्छा हो जाता है। तो बाकी देखिए जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर होता है, मतलब मैं इसको आपको एक बहुत ब्रीफ में समझाने की कोशिश करता हूं, दैट व्हाट इज द इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, एंड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर आल्सो कॉल्ड हेड एंड शोल्डर बॉटम, दिस इज सिमिलर टू स्टैंडर्ड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो ये जो पैटर्न जो है सेम मतलब हेड एंड शोल्डर की तरह होता है, बस ये इसको जो है उल्टा कर दिया गया है, बट इन्वर्टेड विद हेड एंड शोल्डर टॉप यूज टू प्रेडिक्ट रिवर्सल इन द डाउन ट्रेंड्स। द पैटर्न इज आइडेंटिफाइड व्हेन द प्राइस एक्शन ऑफ ए सिक्योरिटी मीट्स द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, द प्राइस फॉल टू इट लो एंड द राइज इज द प्राइस फॉल्स द बिलो लेवल एंड फॉर्मल लेवल एंड दैट राइजेस अगेन, फाइनली द प्राइस फॉल अगेन, मीन्स ये जो प्राइस जो है एक बार इस लेवल को नीचे टच करने के लिए आता है और सेकेंड टाइम ऊपर जाने के बाद जो है फिर जो है इस लेवल को दोबारा इस लेवल को ब्रेक करके नीचे की तरफ जो है ये जाता है, फाइनली द प्राइस फॉल अगेन बट नॉट एज द फर्स्ट सेकेंड लेवल। ओके, मतलब ये जो जो तीसरी बार जो ये गया है ये प्राइस जो है फाइनली जो है मतलब लास्ट बार फिर एक बार नीचे की तरफ जाता है, बट ये जो सेकंड जो लेवल है इसको टच नहीं कर पाता है। वंस द फाइनल थ्रो इज मेड द प्राइस हेड्स अपवर्ड्स टुवर्ड द रेजिस्टेंस फाउंड नियर द टॉप ऑफ द प्राइस थ्रो। तो और उसके बाद देखिए अब क्या होता है, यहां से जब प्राइस निकलता है तो ये अपने जो लास्ट रेजिस्टेंस था उसको टच करने के लिए ऊपर की तरफ जाता है और फाइनली इसका ब्रेकआउट होता है। तो चलिए जो है आइए हम देख लेते हैं इसको कुछ चार्ट पैटर्न में कि किस किस चार्ट पैटर्न में ये बने थे, कब कब बने थे, इसका हमने किस तरह से जो है बेनिफिट लिया था, कहां स्टॉप लॉस रखा था, कहां प्रॉफिट लिया था, कहां टारगेट रखा था, आइए इसको देखते हैं। एसीसी का चार्ट में आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा। तो देखिए सबसे पहले देखिए जो हमारा फर्स्ट रूल जो हमको कहता है, वो फर्स्ट रूल हमारा ये है कि हमको एक डाउन ट्रेंड चाहिए। ओके, तो यहां से अगर आप देखें तो प्राइस जो ऊपर का जो प्राइस है यहां पर है 1760 रुपये, मीन्स 1760 रुपीज, और यहां पर जहां पर पैटर्न फॉर्म हुआ है वहां पर 1550 रुपये, मीन्स ऊपर के लेवल से ये 200 रुपये नीचे डाउन आ चुका है। अब यहां पर देखिए हमने किस आधार पर, किस बेस पर हमने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर यहां पर पैटर्न ड्रॉ किया हुआ है। जैसा कि आप यहां पर देखेंगे प्राइस देखिए एक बार नीचे की तरफ आता है, नीचे की तरफ आने के बाद यहां पर सपोर्ट देने के बाद ऊपर की तरफ निकलता है। ओके, तो देखिए अब यहां पर जो फर्स्ट यहां पर देखिए इसको एक रेजिस्टेंस मिलता है, रेजिस्टेंस मिलने के बाद प्राइस जो है फिर धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आना चालू होता है। ये जो प्राइस जो अब नीचे की तरफ आता है ये जो लास्ट हमारा लो लगा हुआ है इस लो को ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ और ज्यादा नीचे की तरफ आएगा और प्राइस एक बार फिर जो है ऊपर की तरफ जाएगा इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए, जिस ट्रेंड लाइन को हम नेक लाइन बोलते हैं। और देखिए अब इस बार ये जो प्राइस नीचे की तरफ जो तीसरी बार अब जो राइट शोल्डर बनने की तैयारी हो रही है, तीसरी बार देखिए यहां पर जब प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है यहां पर देखिए ओनली हम कह सकते हैं एक प्राइस एक्शन अभी यहां पर बन रहा है, बिकॉज यहां पर एक लोअर लो और लोअर हाई बन रहा है। देखिए लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई,
क्योंकि अभी अभी तक यहां पर एक प्राइस एक्शन बन रहा है। अब ये प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है। अब ये प्राइस अगर इस लेवल को ब्रेक करता तो हम कहते कि ये प्राइस एक्शन चल रहा है, मीन्स मतलब लोअर लो लोअर हाई के फॉर्मेशन बना रहा है। बट यहां पर प्राइस ने पॉज कर लिया, यहां पर प्राइस ने सपोर्ट लिया और फाइनली फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया। अब ऊपर की तरफ देखिए, जब ये ब्रेकआउट होगा तो देखिए, जो मैंने अभी आपको वॉल्यूम के बारे में बताया कि वॉल्यूम के बारे में अगर आपको बहुत अच्छे समझना है कि हमको कौन से पीक पर हमको कौन से लेवल पर हमको कितना वॉल्यूम कहां पर देखना होता है, कहां पर ज्यादा वॉल्यूम लगता है कहां कम लगता है, आप वो जाकर हेड एंड शोल्डर की वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि जहां पर अब फाइनली यहां पर ब्रेकआउट होने का टाइम आता है, सेकंड शोल्डर जो ब्रेकआउट होने का टाइम आता है, यहां पर कैंडले बहुत बड़ी बड़ी बनती हैं और यहां पर जो है वॉल्यूम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। अभी आप इसमें हेड वाले में देखिए, हेड के सपोर्ट से देखिए, जहां पर हेड ने सपोर्ट लिया था और हेड सपोर्ट देकर जब ऊपर की तरफ निकला था वहां पर वॉल्यूम इतना कुछ खास नहीं था। बट यहां पर जो सेकंड शोल्डर का जो सपोर्ट लेने के बाद जब यहां से निकला है, तो यहां पर कैंडलों का साइज देखिए और यहां पर वॉल्यूम देखिए। ओके तो यहां पर मतलब देखिए, हेड एंड शोल्डर की यही पहचान होती है, ये जो है वॉल्यूम के साथ जो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न को अगर आप कंबाइन करते हैं तो आप यहां पर बहुत अच्छा रिजल्ट यहां पर ले सकते हैं। तो चलिए हम यहां पर देखते हैं कि हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। देखिए इस केस में हमारा स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर यहां पर प्राइस कंसोलिडेशन करता तो हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो जाता, बट यहां पर हमारा स्टॉप लॉस जो है इस सेकंड शोल्डर के नीचे होगा, मीन्स हमारा 1450 1460 रुपये हमारा यहां पर स्टॉप लॉस है। और देखिए हमारा टारगेट क्या होगा, तो हम टारगेट देख लेते हैं। टारगेट हमारा इस ये जो हेड है और ये जो नेक लाइन है, तो ये हेड और नेक लाइन के बीच की जो दूरी है वो 120 पॉइंट्स है। ओके ये 120 पॉइंट्स अब हमारा ये टारगेट है, जो इसके बीच की दूरी है ये हमारा टारगेट है। स्टॉप लॉस हमारा ये हो गया, टारगेट हमारा ये हो गया, एंट्री हमारी यहां पर हो गई। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा टारगेट 120 पॉइंट्स का अचीव हुआ कि नहीं हुआ। अभी हम इसको यहां से ले लेते हैं, तो यहां पर देखिए 185 पॉइंट का जो है हमारा टारगेट जो है यहां पर अचीव हुआ है, मींस हम कह सकते हैं कि 1:1.5 का जो है हमारा टारगेट यहां पर अचीव हुआ है। ये एसी सीमेंट का 1 घंटे का चार्ट है, 1 आवर का चार्ट है, ये 20 अगस्त 2019 से ये फॉर्म होना चालू हुआ था। अगर आप चाहें तो अपने चार्ट में जाकर ड्रॉ करके इसको देख सकते हैं, सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए सेकंड हम देख लेते हैं। सेकंड जो है चार्ट जो मैं आपको दिखाने वाला हूं वो है बाटा का चार्ट है। अब बाटा का चार्ट अगर यहां पर आप देखेंगे कि देखिए, जो यहां पर फर्स्ट रूल जो आपको कहता है, फर्स्ट रूल आपका ये है कि एक ये कंप्लीटली डाउन ट्रेंड होना चाहिए, जैसा कि आप ये बाटा के चार्ट में देख सकते हैं कि यहां पर देखिए कंप्लीटली एक डाउन ट्रेंड है। प्राइस जो है ऊपर से 1815 रुपए से लेकर जो है नीचे जो है 1600 रुपए तक आ चुका है, 250 रुपए की जो है नीचे की तरफ जो है मूवमेंट हो चुकी है। तो अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है, अब यहां पर हमने हेड एंड शोल्डर किस बेस पर बनाया है। अब यहां पर जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां पर इसका जो है राइट लेफ्ट शोल्डर बना है, यहां पर हेड जो है हेड जो पैटर्न जो बनने के लिए आया है, तो इसने जो है लेफ्ट शोल्डर को जो है देखिए नीचे की तरफ ब्रेक किया है, नीचे की तरफ ब्रेक करने के फिर ऊपर की तरफ जो है इसने कहां तक गया है, ये नेक लाइन तक, पूरे एक्यूरेट नेक लाइन तक गया है और फाइनली जो है नीचे फिर जब रेजिस्टेंस लेकर नीचे सपोर्ट की तरफ आया है। तो यहां पर आप देखिए ये जो कैंडल जो ब्रेकआउट हुआ है, और यहां पर आप पीछे यहां पर वॉल्यूम चेक करिए और इसके बाद वॉल्यूम देखना चालू करिए, इसके बाद वॉल्यूम देखिए कितने अच्छे लगने चालू हो गए हैं। तो आप इस तरह से अपने चार्ट में जाकर जो है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए ये जो है बहुत रेयर केस में बनता है, ऐसा नहीं है कि आपको ये डेली मिल जाएगा, जैसे कि ट्रायंगल पैटर्न वगैरह होते हैं, डिसेंडिंग ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल या सिमेट्रिकल हो गया, डबल टॉप डबल बॉटम, इस तरह के पैटर्न जो है ज्यादातर हमको इंट्राडे में देखने को मिल जाते हैं। बट जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर और हेड एंड शोल्डर, ये जो दोनों पैटर्न है ये बहुत रेयर केस में देखने को मिलते हैं। इसमें आपकी आंखें बहुत परफेक्ट होनी चाहिए इस पैटर्न को पकड़ने के लिए, अदरवाइज जो है इस पैटर्न को पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। बट अगर आप जो है कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तो देखिए नामुमकिन तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, अगर आप करना चाहें तो सब चीजें आसान है। कहते हैं ना, अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाह दें तो सारी कायनात आपको उसको मिलाने में लग जाती है। सो अगर आप प्रैक्टिस करना चालू कर देंगे तो ये इन्वर्टेड
हेड एंड शोल्डर शोट है, और हेड एंड शोल्डर ये कुछ भी नहीं है आपकी प्रैक्टिस के आगे, आपके जुनून के आगे। नेक्स्ट हम देखेंगे अजंता फार्मा में, तो अजंता फार्मा में भी देखिए कितना अच्छा यहाँ पर, अगर देखिए सबसे पहले जो मैंने आपको बताया है कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने के लिए एक डाउन ट्रेंड का होना जरूरी है। आप यहाँ पर देखिए कि किस तरह से ऊपर से ये डाउन ट्रेंड चलता आ रहा है। ये देखिए ऊपर का प्राइस जो था नियर अबाउट 1300 रुपए का था, और जो नीचे इसने लो लगाया ये 950 रुपए का लगाया, तो मींस 350 पॉइंट्स जो है ऊपर के लेवल से ये टूटकर नीचे आ गया। तो फाइनली हमको यहाँ पर ये बॉटम पर अजंता फार्मा का जो है स्टॉक हमको मिला, और यहाँ पर देखिए जो इसने फर्स्ट जो जो है लेफ्ट शोल्डर, हम इसको कहेंगे लेफ्ट शोल्डर बनाने के लिए जो नीचे की तरफ आया है, तो देखिए जो लेफ्ट शोल्डर जो बनेगा वो फाइनली अपने जो है प्रीवियस सपोर्ट कहीं पर होगा, वहां पर सपोर्ट लेके बाउंस बैक करेगा। इस चीज को जरूर फोकस करिएगा, ये जो सपोर्ट होता है ये जहां से बाउंस बैक करता है ये ऐसे ही नहीं कहीं बाउंस बैक कर जाता है, ये पीछे कहीं इसके पास सपोर्ट होता है। अगर हम इसमें हम सपोर्ट देखेंगे तो ये लास्ट सपोर्ट हमारे पास ये निकल कर आएगा। ये देखिए यहां पर भी सपोर्ट देकर मार्केट ने एक बार बाउंस बैक किया था, तो ये जो अभी इसको हम सपोर्ट की तरह कंसीडर कर रहे हैं, अभी इसको हम प्राइस एक्शन की तरह ही देख रहे हैं, बिकॉज ये लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई। तो अभी यहां पर जो है हम सोच सकते हैं, देखिए अभी मार्केट में किसी को भी नहीं पता है, ना बड़े बड़े ट्रेडर को पता है, ना स्मार्ट लोगों को पता है, ना रिटेलर को पता है, किसी को भी नहीं पता है कि यहां पर जो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हो सकता है। जब प्राइस सेकंड शोल्डर, ये जो राइट शोल्डर जो होता है, राइट शोल्डर से बाउंस बैक करके ऊपर की तरफ निकलता है, तो मार्केट में एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। पैनिक सिचुएशन क्रिएट होने से क्या होता है, यहां पर जिसने भी, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल हो, चाहे वो एफआईआई डीआईआई होते हैं, चाहे स्मार्ट ट्रेडर हैं, चाहे वो रिटेलर ही क्यों ना हो, अब यहां पर वो पैनिक होने लग जाते हैं, बिकॉज यहां पर मार्केट जो है अब उनको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाता हुआ दिख रहा है। तो यहां पे जो लोग हैं यहां पर पैनिक जो है पैनिक तरह से यहां बाइंग करना चालू शुरू कर देते हैं, अपनी सेल की पोजीशन जो है काटने लग जाते हैं। देखिए जब सेल की पोजीशन कटने लग जाएंगी तो जो है ऑब्वियसली वो है जो है मतलब बाइंग करेंगे तभी सेल की पोजीशन कटेगी, और जब वो बाइंग करेंगे तो आप सोच सकते हैं कि यहां से कितनी तेजी से मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। देखिए यही एक रीजन होता है कि मार्केट जब ये सेकंड राइट शोल्डर जब बनाती है तो यहां पर वॉल्यूम भी बहुत अच्छा क्रिएट होता है, और आपका जो टारगेट होता है हेड एंड शोल्डर में बहुत जल्दी टारगेट यहां पर आपका अचीव हो जाता है। तो चलिए यहां पर हम देखते हैं कि क्या हुआ है। यहां देखिए यहां पर फर्स्ट शोल्डर बना है, यहां पर हेड बना है, फिर नेकलाइन को टच किया है, सेकंड यहां पर राइट शोल्डर बना है, फिर ऊपर की तरफ टच किया है, और यहां पर एक बार रीटेस्ट करने के लिए नीचे की तरफ आया है। अगर हमने यहां कहीं अपना स्टॉप लॉस रखा होता तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता। सो इसका थंब रूल है कि आप जो है स्टॉप लॉस यहां पर रखिए, आपका स्टॉप लॉस जो है 95 to 98% आपका स्टॉप लॉस नहीं जाएगा जो है, मतलब अधिकतर जो मैं पैटर्न ट्रेड करता हूं वो तो मतलब मैंने जो आपको पैटर्न लास्ट में बताया था कि यहां पर जो रेक्टेंगल पैटर्न होता है मैं ज्यादातर पैटर्न उसको ट्रेड करता हूं, बिकॉज उसमें स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है और टारगेट बहुत अच्छा मिल जाता है। अगर आप चाहें तो यहां पर वेट करके यहां पर अब आप अपनी एंट्री ले सकते हैं, बिकॉज अब आपको यहां पर एक स्विंग लो मिल चुका है। आप यहां पर भी अपना, अगर इस तरह का केस आपको दिखाई देता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के केस में पैटर्न में, तो आप यहां पर भी स्टॉप लॉस अपना रख सकते हैं अगर आपने एंट्री यहां पर नहीं ली है तो। अगर आपने एंट्री यहां पर ले ली है तो आपको स्टॉप लॉस अपना यहीं पर रखना है। अगर हाँ फाइनली अब जो है एक आपको स्विंग लो मिल चुका है, अब आप अपना स्टॉप लॉस यहां से उठा के यहां पर कर सकते हैं, बिकॉज ये कैंडल ने जो है बहुत अच्छा एक ब्रेकआउट दिया और इसमें वॉल्यूम भी बहुत अच्छा लगा हुआ था। सो हम कह सकते हैं कि मार्केट अब दोबारा इसको टेस्ट करने के लिए नहीं आएगा, बिकॉज ये लेवल एक बार जो है सपोर्ट यहां पर ले चुका है, तो आप अपना स्टॉप लॉस यहां पर रख सकते हैं। तो चलिए यहां पर हम देखते हैं मार्केट में इसमें गैप कितना है जो हमारा टारगेट है। तो इसका गैप जो है हम देखेंगे, तो इसका गैप जो है नियर अबाउट ये 75 पॉइंट्स का गैप है। तो 75 पॉइंट्स अभी हम देखते हैं ब्रेकआउट के बाद हमको 75 पॉइंट्स मिले हैं या नहीं मिले हैं। अभी यहां पर हम यहां से लेंगे 75 पॉइंट्स, तो हमको यहां पर 80 पॉइंट्स हमको जो है यहां पर मिल गए हैं। सो यहां पर हमारा जो है टारगेट बहुत इजिली अचीव हो गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो पैटर्न मैं आपको समझाता हूं वो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। देखिए मेरे को तो लगता है आपको चीजें बहुत अच्छी है समझ में आ रही होंगी, बिकॉज आप लोग के कमेंट नहीं आते हैं, आप लोग बताते नहीं है कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो आप लोगों के लिए मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आगे लेकर आने वाला हूं। सो अगर आप मुझे बताएंगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको चीजें समझ में आ रही है कि
नहीं आ रही हैं, बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि आपको जो है चीजें बहुत अच्छे से समझा सकूं। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे अंबुजा सीमेंट में, तो जैसा देखिए मैंने आपको बताया था डाउन स्लोव में, डाउन स्लोव और अप स्लोव दो चीजें मैंने आपको बताई थी। तो चलिए सबसे पहले हम यहां पर देख लेते हैं कि हम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न में हम काम करने जा रहे हैं, तो हमको यहां पर एक डाउन ट्रेंड है कि नहीं हमारे लिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक कंप्लीटली डाउन ट्रेंड यहां पर है, और यहां पर बॉटम पर आकर हमने जो है ये अपना इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर हमने फॉर्म कर रखा है। तो यहां पर देखिए फर्स्ट यहां पर जो शोल्डर बना है, तो फर्स्ट शोल्डर जैसा मैंने आपको बताया था कि जब भी फर्स्ट शोल्डर, देखिए ये एक थंब रूल है तो आप अगर इसको नोट कर लेंगे बहुत अच्छा रहेगा, जो फर्स्ट शोल्डर कभी भी बनता है तो फर्स्ट शोल्डर जो बनता है वो अपने के आसपास के कहीं के सपोर्ट लेवल पर ही सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ बाउंस बैक करता है, नेक लाइन को टच करने के लिए जाता है। तो यहां पर जो यहां पर देखिए अगर आप फर्स्ट यहां पर लेफ्ट शोल्डर देखेंगे तो लेफ्ट शोल्डर ने ये लास्ट टाइम जहां से मार्केट ने सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जो है मूव किया था यहीं पर सपोर्ट लिया है। तो ये देखिए इस तरह से मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, ये देखिए। तो जैसा कि आपने देखा कि ये जो फर्स्ट जो लेफ्ट शोल्डर जो लो बना हुआ है वो लास्ट अपने आसपास के सपोर्ट से ही सपोर्ट लेकर बाउंस बैक करता है, ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी मतलब ये सपोर्ट लेकर बाउंस बैक कर जाए, नहीं, ये आसपास के सपोर्ट लेवल को सपोर्ट लेकर ही बाउंस बैक करता है। सो यहां पर हमारा फर्स्ट जो है जो शोल्डर बन जाता है, लेफ्ट शोल्डर बन जाता है। अभी मार्केट जो है यहां से फिर नीचे की तरफ आता है, क्यों आता है, एक जो है इसको अपना हेड बनाना होता है इसलिए नीचे की तरफ आता है। अब यहां पर देखिए जब हेड नीचे की तरफ आता है तो लेफ्ट शोल्डर को ब्रेक करता है, लेफ्ट शोल्डर को ब्रेक करने के बाद जो लो लगाता है यहां से जब बाउंस बैक करेगा तो इस ये जो हाई जो लग रहा है, जो सेकेंड हेड का जो जहां से सपोर्ट लेकर बाउंस बैक कर रहा है, इस जो है आप देख सकते हैं इसमें इतना वॉल्यूम नहीं होगा जितना कि राइट शोल्डर में वॉल्यूम होगा। और यहां पर जो वॉल्यूम यहां पर होगा, जो मतलब मार्केट देखिए अभी इस टाइम तो सारे लोग जो है सेलर हैं, अभी सबको पता है कि मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, तभी आप ये रेड कैंडल देखिए, ये जो रेड कैंडल आप यहां पर देख रहे हैं, तभी इस जो है रैली में जो है कैंडल जो है जिस साइड का ट्रेंड होता है, मींस यहां पर डाउन ट्रेंड है, तो उस साइड के जो है वॉल्यूम बहुत बड़े बड़े लगे होते हैं। और जो है मतलब इस अगर हम इस जो है हेड के बाउंस बैक में और जो है राइट शोल्डर के बाउंस बैक में कंपैरिजन करेंगे तो हेड का जो बाउंस बैक होता है सपोर्ट से वहां पर इतना वॉल्यूम नहीं होता है, बिकॉज अभी लोगों को ये लग रहा होता है कि अभी मार्केट यहां पर प्राइस एक्शन बना रही है, ये देखिए लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई, अभी लोगों को ये लगता है कि मार्केट अभी यहां से फिर इस लो को ब्रेक करेगी, एक फिर लोअर लो बनाएगी। बट यहां पर जब मार्केट सपोर्ट लेती है और सपोर्ट लेने के बाद कोई ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न बनाती है जहां से मतलब ऐसा मतलब कोई साइन मिलता है कि मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जाएगी, तो यहां पर जो है जितने लोग होते हैं अब वो फटाफट अपनी पोजीशन काटने में लग जाते हैं, वो चाहे स्मार्ट ट्रेडर है चाहे वो रिटेल ट्रेडर है कोई भी हो, यहां पर क्योंकि देखिए यहां पर मार्केट में एक आप कह सकते हैं पैनिक क्रिएट हो जाता है, पैनिक क्रिएट होने के बाद लोग एकदम से अपनी पोजीशन काटने लग जाते हैं। अब जो सेल साइड में है, जिन्होंने सेल साइड में अपना ट्रेड बना रखा है, अब उनको पता है कि यहां पर जो है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हो गया, अब मार्केट यहां बहुत तेजी से ऊपर जाएगी। सो मतलब एक तो वो लोग अपनी जो है सेल सिचुएशन जो है सेल की जो ट्रेड होते हैं वो काटते हैं, जब सेल का ट्रेड काट रहे हैं तो ऑब्वियसली जब वो बाइंग करेंगे तभी उनका सेल का ट्रेड कटेगा, प्लस यहां पर कुछ नए बाय यहां पर आ जाते हैं, नए बायर यहां पर खरीदारी करने के लिए आते हैं। सो इसलिए यहां पर वॉल्यूम बहुत अच्छा लगता है और यहां पर जो है कैंडल के साइज भी बहुत अच्छे होते हैं। सो अब यहां पर देखिए कि जो हेड की तरफ से जो इसने सपोर्ट लेकर बाउंस बैक किया था और जो राइट शोल्डर की तरफ सपोर्ट लेकर बाउंस बैक किया था, इन दोनों रैली में आप वॉल्यूम देखिए, आप देखेंगे कि यहां पर जो राइट शोल्डर से जहां से बाउंस बैक हुआ है यहां पर वॉल्यूम बहुत अच्छा लगा होता है। तो चलिए अब यहां पर देखिए यहां पर कोई रिटेस्ट नहीं हुआ, सो हमको मतलब दोबारा एंट्री करने का मौका मिल जाता, तो कई बार ऐसी कैंडल में हमारी एंट्री भी मिस हो जाती है, तो आपने रेग्रेट नहीं करना है, कोई बात नहीं एंट्री मिस हो गई कोई बात नहीं, कोई और स्टॉक देख लेंगे, बट जो है आपने जो है रिस्क नहीं लेना है बिल्कुल। बाकी अब देख लीजिए हम यहां पर देखते हैं हमारा यहां पर टारगेट अचीव हुआ कि नहीं हुआ, पहले हम इसका अपना पॉइंट देख लेते हैं कितने पॉइंट का हमारा यहां टारगेट था, 188 टू यहां पर कितना है हमारा 16 रुपए का टारगेट था, ये अंबुजा सीमेंट है, तो ये जो गैप था
हेड से लेकर के नेक लाइन तक का ये 16 रुपए का था। और यहां पर हम देखते हैं ब्रेकआउट के बाद जो है हमको कितने रुपए का टारगेट मिला है। यहां ब्रेकआउट हुआ है, सॉरी यहां पर देखिए ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेक नेक लाइन से ब्रेकआउट हुआ है। हम नेक लाइन से देखेंगे, नेक लाइन से लेकर के हमको 22 रुपीज मिले हैं। ओके, तो 16 रुपए का हमारा टारगेट था, हमको यहां पर 22 रुपीज मिल गए हैं। और 22 रुपीज मिलने के बाद मार्केट फिर अपने ट्रेंड में आ चुकी है, तो हमको इस ट्रेंड से अभी कोई लेना देना नहीं है। हमारा टारगेट अचीव हो गया, हमने जो अपना प्रॉफिट बुक करके हमने निकल जाना है, हमने यहां पर ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी है। सो मतलब चलिए, मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि ये जो मैंने आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बताया, ये पैटर्न आपको समझ आया होगा, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर जो भी दोस्त ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सेकंड जो है, अगर आप जो है हमारे सपोर्ट ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है अलाइस ब्लू का, आप उसमें जाकर अकाउंट खोलिए। अकाउंट खोलने के बाद आपको जो है सपोर्ट ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, वहां पर मैं डेली कॉल्स देता रहता हूं, चार्ट पैटर्न शेयर करता रहता हूं। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर ऑलरेडी 66,000 लोग वहां पर ज्वाइन है, तो वहां पर जो है मैं चार्ट पैटर्न शेयर करते रहता हूं, आप जो है उन पैटर्न्स को देखकर जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो पैटर्न ड्रॉ करके सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। आप कमेंट तो करिए, मैं आपको आपकी सारी क्वेरी क्लियर करूंगा। सो जो है चलिए, अब मैं वीडियो यहीं पर क्लोज करता हूं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।